हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रेस्टोरेंट में पीएनएल बनाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड। आज के इस वीडियो पे हम तीन बातों को समझेंगे। पहला, पीएनएल होता क्या है। दूसरा, रेस्टोरेंट में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और तीसरा, पीएनएल बनाते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग होने वाला है। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पीएनएल होता क्या है। पीएनएल इज अ फाइनेंशियल डेटा विच गिव्स ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फिर से रिपीट करता हूं, पीएनएल इज अ फाइनेंशियल डेटा विच गिव्स ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपके रेस्टोरेंट का पीएनएल फाइनेंशियल डेटा होता है, जो एक सर्टेन टाइम का, एक निश्चित समय का ऑपरेटिंग रिजल्ट बताता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रेस्टोरेंट में, पीएनएल बनाते क्यों हैं? पीएनएल बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके रेस्टोरेंट में हो रही कमाई या कब के खर्चों ने बैंड बजाई। आपको यह पता चल जाएगा कहां पे ज्यादा खर्चा हो रहा है और कहां पे कंट्रोल है। आपको यह पता चल जाएगा कि कहां पे खर्चे कम किया जा सकता है, कहां पे प्रॉफिट बचाया जा सकता है। और आप देखते हैं कि पीएनएल बनाते कैसे हैं। सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद आप लिखोगे पीरियड कब से कब तक बना रहे हैं, उसके बाद आप रेस्टोरेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद लोकेशन लिखेंगे कौन से रेस्टोरेंट का बन रहा है, किस लोकेशन का है, उसके बाद आप लिखोगे ग्रॉस सेल या रेवेन्यू लिख दीजिए या फिर टर्नओवर लिख दीजिए, सबका मतलब एक ही है, सेल। तो सबसे पहले आप लिखोगे ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल में से टैक्सेस माइनस करके आप नेट सेल में कन्वर्ट करोगे। ग्रॉस सेल के राइट साइड पे आप लिखोगे परसेंटेज, और जब आप ग्रॉस सेल में से टैक्सेस माइनस करके नेट सेल लिखेंगे तो नेट सेल के राइट साइड पे आप लिखोगे 100%, क्योंकि नेट सेल हमेशा 100% होता है। अब नेट सेल में से आप माइनस करोगे कॉक्स। कॉक्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये निकालते कैसे हैं? मैंने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो नेट सेल में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपके रेस्टोरेंट में जितना ज्यादा होगा, जितने परसेंटेज ज्यादा होगा, आपके पास कैश फ्लो उतना ही बना रहेगा, आपका रेस्टोरेंट में प्रॉफिट उतनी बनी रहेगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अब माइनस करेंगे कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस। अब कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस क्या होता है? दोज एक्सपेंसेस विच यू कैन कंट्रोल एट योर स्टोर लेवल। आपके रेस्टोरेंट लेवल पे जो जो खर्चे कम किया जा सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, उसको कहते हैं कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस। आइए देखते हैं वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले आ गया लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में सारी सैलरीज आ जाएगी आपके स्टाफ की, इंक्लूडिंग मैनेजर, टीम मेंबर्स सबकी। उसके बाद आएगा यूटिलिटी कॉस्ट। यूटिलिटी कॉस्ट में क्या क्या आएगा? आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, इन सब का बिल आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस। आप कुछ स्टेशनरी वगैरह मंगाते हो तो उसका भी खर्चा आएगा। लिनेन कॉस्ट आएगा, यूनिफॉर्म वगैरह स्टाफ के लिए मंगाते हैं तो वो भी खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद और क्या खर्चा आता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है। आपके इक्विपमेंट खराब होते हैं तो उसका भी खर्चा आएगा। कुछ बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है तो उसका भी खर्चा आएगा। उसके बाद क्या आता है? केमिकल आप रेस्टोरेंट में यूज करते हैं तो वो भी खर्चा आएगा। तो ये सारे खर्चे हो गए कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस इक्वल टू पीएसी। पीएसी क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर कंट्रोलेबल कॉस्ट। अब पीएसी में से आप नॉन कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे। नॉन कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस क्या होता है? दोज एक्सपेंसेस विच यू डू नॉट हैव कंट्रोल एट स्टोर लेवल। वो खर्चे जो स्टोर लेवल पे कोई मेंटेनेंस नहीं हो सकता, कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता, फिक्स्ड है, वो जाना है तो जाना है। तो खर्चे कौन कौन से हैं? सबसे पहला आएगा रेंट। आपकी सेल हो ना हो, रेंट जाना है तो जाना है, फिक्स्ड है।
कैम चार्जेस, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस आएगा, आपने रेस्टोरेंट की इंश्योरेंस होगा उसके भी खर्चे जाएंगे, आप अकाउंटेंट रखे होंगे तो उसके अकाउंटिंग चार्जेस भी जाएगा, आपने कोई फ्रेंचाइजी ले रखी तो उसकी रॉयल्टी जाएगी तो वो भी आएगा, आप मार्केटिंग वगैरह करते हो अपने रेस्टोरेंट की तो वो भी एक्सपेंसेस आएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आता है ईबीटा। ईबीटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें चार चीजें होती है, कौन कौन सा? इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप जब रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो तो आप इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, वो इक्विपमेंट्स बहुत हैवी अमाउंट में होता है और उसके एक सर्टेन टाइम होता है, उसके एक सर्टेन सेल्फ लाइफ होता है इक्विपमेंट का, तो दिन बाय दिन उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो सरकार कहती है कि आप जब हैवी अमाउंट का इक्विपमेंट लेते हो तो उसका आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। मान लीजिए कि जब आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे थे तो 20 लाख रुपए का आपने इक्विपमेंट लिया और उसकी सेल्फ लाइफ है 10 साल, तो हर साल आप 20 लाख का अमाउंट है टोटल जो आपने परचेज किया था और 10 साल है उसकी सेल्फ लाइफ, तो हर साल आप 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखाओगे। और अमोर्टाइजेशन जो होता है वो डेप्रिसिएशन का छोटा भाई होता है, वो भी सेम होता है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल असेट हो गया जो आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और अमोर्टाइजेशन नॉन टेंजिबल असेट होता है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपने कोई फ्रेंचाइजी ली है, वो फ्रेंचाइजी आपने ऐसा लिया है कि भैया आपके अलावा कोई और नहीं चला सकता, आपने पेटेंट करा लिया है कि अगले 10 साल तक आप ही चलाओगे और कोई नहीं चलाएगा, तो उसके भी आपको पैसे देने पड़े होंगे, वो बहुत मोटी रकम जाती है, तो उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन नॉन टेंजिबल असेट, जिसको आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसका भी यहां पे डेप्रिसिएशन लोगे। उसके बाद दो लोग बच जाते हैं, पहला सरकार और दूसरा साहूकार। जो इंटरेस्ट है, आप जब रेस्टोरेंट चला रहे थे तो आपने कहीं से लोन लिया होगा बैंक से, तो उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी माइनस करोगे। ये सारे माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें गवर्नमेंट को 30% देने हैं। ये सारे माइनस करने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, वो पैसा आपका होता है। और फिर उस पैसे को चाहे तो इन्वेस्ट करो, चाहे फिर आप अपने जेब में डालो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको समझ में आ गया पीएनएल कैसे बनता है, और आपका एक टारगेट है कि आप खुद से अपने रेस्टोरेंट की पीएनएल बना के देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर कोई चीज क्लैरिटी नहीं हुई तो नीचे कमेंट में बताइए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। इस वीडियो को देख अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।